ये है ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। वेलकम टू ऑटो इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक सेंसर पार्ट वायरिंग, यानी जो इंजन पे लगा होता है, जिसमें सेंसर का कनेक्शन होता है और वो सेंसर को ECU से कनेक्ट करता है, उस पार्ट के बारे में बात करेंगे। उसे सेंसर पार्ट वायरिंग कहा जाता है। आज हम उसे देखेंगे कि उस सेंसर पार्ट वायरिंग में इंजन पे जो सेंसर लगा होता है उसमें कनेक्शन है, तो उसमें कौन कौन से सेंसर का कनेक्शन होता है। फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज़ है कि मैं जो वायरिंग के कनेक्शन को बताऊँगा कि ये जो कनेक्शन है वो किस सेंसर का है, तो आपको उस सेंसर का नाम और इस गाड़ी में कितने सेंसर्स हैं ये तो क्लियर हो जाएगा कि इसमें कितने सेंसर हैं और उसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर अपडेट्स आपको मिले। फ्रेंड्स, ये सेंसर पार्ट वायरिंग है सुपर एस गाड़ी का। इसके बारे में हम बताएंगे आपको कि इसमें कौन कौन सा सेंसर का सिस्टम दिया हुआ है। फ्रेंड्स, ये ECU का जो मेन कपलर है वही है, ECU का कपलर लॉक है ये। यहाँ पे तीन मेन कपलर है, जो एक ऊपर गया है डैशबोर्ड की तरफ और इंजन पार्ट का है। यहाँ एक वायर है। फ्रेंड्स, ये ग्लो प्लग रिले का है, ये रिले है यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो यहाँ पे रिले का है। और यहाँ एक 8 नंबर 10 नंबर नट है, यहाँ से करंट जाता है प्लग जो है हीटर प्लग वहाँ। टाइम इसमें टाइम सेटिंग किया होता है कैसे करंट देना है इसमें, वही है। ये हमारा वाशर का है, जो वाइपर में पानी जो देता है वाशर उसका है। और ये जो है हीटर प्लग का है ये दोनों। और ये मोबिल लाइट का है, जो ऑयल प्रेशर स्विच का है, जो क्लस्टर बोर्ड में दिखाता है लाइट उसका है। और ये दोनों हीटर प्लग का है। और ये जो है कॉमन रेल का है, जो रेल प्रेशर सेंसर है उसका है। और ये है कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, कूलेंट का जो टेम्परेचर बताता है। और इधर एक है, इसमें अल्टरनेटर का दिया हुआ है। ये जो है अल्टरनेटर का वायर है, जो क्लस्टर में दिखाता है। ये बैटरी लाइट जो दिखाता है वो है, ये मेन है। और ये ग्राउंड का है। और ये जो है ये फ्लाईव्हील सेंसर का है, क्रैंक सेंसर का, फ्लाईव्हील सेंसर का है ये। ये है EGR जो मशीन होता है उसका है। और यहाँ पे है एक, ये है इंजेक्टर का, ये जो पहला इंजेक्टर है वो ये है, ये दूसरा इंजेक्टर का है। ये है कैम सेंसर का, जो कैम शिफ्ट होता है, कैम सेंसर उसका है। और ये है EMF सेंसर, यानी EMF सेंसर एयर मास फ्लो सेंसर का है ये, जो एयर फिल्टर के पास लगा होता है। और ये है कैम सेंसर का। यहाँ पे एक ये है बूस्ट प्रेशर सेंसर का, जो एयर का प्रेशर और टेम्परेचर बताता है, ये उसका जैक है। और इधर और तीन है, ये है आपका टेम्परेचर सेंसर का है, गोगेस का टेम्परेचर सेंसर। और ये ग्राउंड का वायर है। और यहाँ एक ग्राउंड का ही जो मेन ग्राउंड जो बैटरी से डायरेक्ट आया हुआ है उसका है, बस हो गई। फ्रेंड्स, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इस वायरिंग का जो पार्ट है इसमें कितने सेंसर्स थे और कितने कनेक्शन थे और सेंसर के नाम। तो फ्रेंड्स, मैं फिर मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।